हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं, और जो यूरोप का था नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसको मैंने कंप्लीट कराया है, उसका सारा एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है, डिटेल में। और अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन से कर लोगे तो चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ना, वो कम्प्लीट हो जाते हैं। तो बेटर है लास्ट टाइम में, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कवर कर लो। उससे क्या होता है कि आप लिख पाओगे अच्छे से, क्योंकि आपको पता होगा कि चैप्टर में है क्या, और जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। तो वैसे ही जो नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो भी स्टार्ट कर रही हूँ, और उसके भी एनसीईआरटी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। इससे भी क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कवर होगा, ठीक है, शॉर्ट टाइम में और अच्छे से कवर होगा। तो मैं वो जो नेशनलिज्म इन यूरोप का जो है एक वीडियो, जिसे मेरे फर्स्ट थाउजेंड व्यूज़ गए हैं, जिससे भी मज़ेनी के बारे में जो है, तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिंट कर दूँगी, ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो उसको देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आता है, ठीक है। तो ऐसे ही यूरोप के उस चैप्टर के मैंने 9 से 10 वीडियो डाले हैं, तो वो आप देख लेना, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका टॉपिक है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगी मैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो जो नेशनलिज्म की भावना थी इंडियंस में, ठीक है, जो नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति की, देश को यूनाइट करने की, फ्री करने की जो भावना थी इंडियंस में, वो जब ग्रो हुई तो कैसे वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में चेंज हो गया, या कैसे वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बन गया, ठीक है। तो कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कॉलोनियल का मतलब होता है कि ऐसा कोई कंट्री जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आए और वहाँ पर कब्ज़ा करे और वहाँ रूल अपना जमाना चाहे, ताकि वो और पैसा कमा सके वहाँ से, तो वो कॉलोनियल होता है। जैसे कि ब्रिटिश रूल था वो कॉलोनियल, ठीक है, तो ब्रिटिश रूल को यहाँ कॉलोनियल रूल कहा गया है। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यानी कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जो मूवमेंट हो रहा था, अगेंस्ट में, उसको बोले हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, जो कि पूरा एनसीईआरटी के बेस में, ठीक है। तो इंडिया के जैसे जो कॉलोनियल रूल आया था, वो वैसे ही चाइना में और अदर कंट्री में भी आया था पहले, इंडिया से पहले, है ना। तो वहाँ पर भी पहले नेशनलिज्म का फीलिंग आया, तो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, लोगों ने स्ट्रगल करना चालू किया, वैसे ही इंडिया में भी हुआ। तो उसमें क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ ना इंडियंस में, वो कनेक्टेड था, इंटीमेटली कनेक्टेड था, मतलब कि डीपली कनेक्टेड था, किससे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। यानी कि अगर वो नेशनलिज्म का फीलिंग आता ही नहीं, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट होता ही नहीं। तो ये दोनों क्या थे, डीपली कनेक्टेड थे। सेकेंड क्या है, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म का मीनिंग जो है वो पहले समझ लो, जो मैंने बताया वही है इसका मीनिंग, कि जब एक पावरफुल कंट्री ट्राई करती है रूल करने के लिए किसी दूसरे कंट्री पर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो और ज़्यादा पैसे कमा सके, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉलोनियलिज्म। तो लोग क्या किए, वो जैसे स्ट्रगल चालू किए कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वो लोग डिस्कवर करने लगे यूनिटी, यानी कि उनको यूनिटी मिलने लगी, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हर एक ग्रुप के लोगों को परेशान करती थी। तो हर वहाँ के जो इंडियंस के जो अलग अलग ग्रुप थे, सब परेशान थे, तो वो जैसे स्ट्रगल उन्होंने चालू किया, तो वो लोग यूनाइट होने लगे, वो लोग यूनिटी को डिस्कवर करने लगे। द सेंस ऑफ बींग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड डेट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। तो जो सेंस था बींग ऑप्रेस्ड, यानी कि दबाव फील करना, किसी के अंडर रूल के अंडर में फील करना, किसी का नौकर टाइप का फीलिंग करना, ठीक है, तो वो फीलिंग सबके में आने लगा इंडियंस में, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो परेशान करती थी, तो लोगों के में ये फीलिंग आने लगा कि हमें ऑप्रेस्ड कर रही है। तो इस फीलिंग की वजह से क्या किया उन्होंने, वो सब ग्रुप्स में, इंडियन के जो अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे कि फार्मर का अलग हो गया, ट्रेडर्स लोग का अलग हो गया, पीजेंट्स लोग का अलग हो गया, तो वो लोग क्या किए, बॉन्ड हो गया उन लोगों में, और वो डेड टाइड, जो उस बॉन्ड से क्या हुआ, हर डिफरेंट डिफरेंट लोग क्या हो गए, एक जगह टाइड हो गए, वो एक ग्रुप में आ गए, ठीक है, यूनाइट हो गए। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन हर एक क्लास, हर एक ग्रुप,
जैसे मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, हर एक ग्रुप का अलग अलग इफेक्ट था कॉलोनीज़म का. मतलब कि वो जो कॉलोनियल रूल था वो अलग अलग तरीके से उन लोग को अलग अलग इफेक्ट कर रही थी. ठीक है, सबका एक्सपीरियंस अलग था और सबका फ्रीडम का मतलब अलग था. सब फ्रीडम को अलग नज़रिए से देखते थे. फार्मर्स लोग का फ्रीडम था कि उन लोग को कुछ भी उगाने की आज़ादी हो, वो अपने उगाए हुए चीज़ को कहीं पर भी यूज़ करें उनकी आज़ादी हो. ट्रेडर्स को ये आज़ादी चाहिए थी कि वो कहीं पर भी ट्रेड कर सकते, कितने में भी बेच सकते हैं, उनका मार्केट प्राइस खुद डिसाइड करें. तो ये सब चीज़ें उन लोग के लिए सब अलग अलग फ्रीडम था, सबके लिए अलग अलग. तो द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर्ज, यानी कि जो कांग्रेस थी, जो कांग्रेस बनाया था महात्मा गांधी ने, जो महात्मा गांधी के अंडर काम होता था, अंडर था कांग्रेस जो था, तो वो क्या कि फॉर्ज करने लगे. फॉर्ज यानी कि मैंने मीनिंग ना ब्रैकेट में डाला है ताकि समझ में आए. फॉर्ज का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी को स्ट्रेंथन करना, किसी को मजबूत करना. तो वो फॉर्ज करने लगे वो ग्रुप्स को कि वो एक साथ आए और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट करें. तो ये था ग्रोथ कैसे हुआ नेशनलिज्म का, ठीक है, लोगों में. ये इसका डिटेल था. और उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी जब आए जनवरी 1915 में, उसके बाद उन्होंने चालू किया अपना जो भी लोगों को यूनाइट करना, क्या क्या मूवमेंट करना, वो उन्होंने चालू किया. तो हम उसका भी आगे देखेंगे कि क्या क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, ये भी देखेंगे. तो बने रहना गाइस मेरे साथ ताकि अच्छे से हिस्ट्री समझ में आए हिस्ट्री. और जैसे 1000 व्यूज़ मेरा गया है वैसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहना. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.